मैडम पैसे? हाँ ले पैसे ले। मैडम मैडम बस चली जाएगी मैडम। हाँ तो ले ना ले। मैडम मैडम बस चली जाएगी मैडम। ले ले ले। अरे मैडम जल्दी 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 ले 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 ले। अरे भैया गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। मैडम पैसे दे दो मैडम। क्या हुआ भैया? भैया मेरे से सामान ले लिया, मैडम ने पैसे नहीं दिए। आप एक काम कीजिए मेरे साथ अंदर आइए। हाँ भैया। हाँ क्या दिक्कत आ रही है मैडम? कुछ दिक्कत नहीं है भैया, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। अच्छा तो उसके पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं आप? किसके पैसे? अबे ओए तेरे पैसे नहीं दिए मैंने, अभी 500 रुपए दिए तेरे को, झूठ बोलता है बताऊँ? अच्छा आपने पैसे दिए हैं उसको, पुलिस को बुलाओ अभी। मैं ना वहाँ गेट पे खड़े होकर सब देख रहा था। आपको शर्म आनी चाहिए मैडम, आप अच्छे घर से लग रहे हो और 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में ऐसी हरकत कर रहे हो उसके साथ। अभी मान लीजिए ये पैसे लेने के चक्कर में वो गाड़ी के नीचे आ जाता, फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, हम गरीब लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मुश्किल से 100-200 रुपए कमाते हैं। आपको क्या लगता है कितने कमाता होगा? ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए। भैया आप कितने कार्टून बेच लेते हैं दिन में? 4-5 कार्टून बेच पाता हूँ बस। सुना 4-5 कार्टून, एक कार्टून में 20 रुपए बचते हैं, मतलब 100 रुपए कमाता है पूरे दिन में, रात के 12 बजे आपको खाने के लिए दे रहा है, शर्म कीजिए। भैया आपकी फैमिली में कौन कौन है? सब मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे छोटा भाई और मेरी बहन है, बस उनको ही पढ़ा रहा हूँ। सुना आपने, जिम्मेदारियाँ उठा रहा है वो, और आप क्या कर रहे हैं? आप उसका मजाक बना रहे हैं, आपकी नजर में हमारी तो कोई इज्जत होती नहीं है। गलती मेरी है जो आपसे बहस कर रहा हूँ, आपसे पैसे नहीं दिया जा रहा ना, मत दीजिए, मैं दे दूंगा। आप भीख मांग लेते उससे, गरीब आदमी है, दिल का बहुत बड़ा है, दे देता खुशी खुशी, क्योंकि भूखे को खाना खिलाना ना बहुत पुण्य का काम होता है हमारे यहाँ। खा लीजिए आप। भैया लीजिए पैसे। रख लीजिए अपने पैसे, और किराया भी मत देना अगर है नहीं तो। भैया ये लीजिए आप अपने पैसे। साहब ये तो बहुत ज्यादा है। भैया इनने जो आपके साथ किया है ना वो इतना गलत है कि ये उसके सामने कुछ नहीं है, अब प्लीज रख लीजिए, और आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं। चलिए तमाम हादसों ने एक गरीब की इज्जत नोची, परिवार की खुशी के लिए उस गरीब ने भूख तक बेची, कभी आंसू कभी खुशी बेची, हम गरीबों ने बेकसी बेची, चंद सांसें खरीदने